तो फाइनली दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि नए क्रिएटर को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। टॉपिक ये है कि दोस्तों, अगर एक साल में 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, और अगले साल में अगर कंप्लीट होता है तो चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं। तो चलिए इसके बारे में जो है डिटेल्स में बताते हैं आपको। और मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के ऊपर जो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, लेकिन बहुत लोग फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हर बार जो मैं अपडेटेड वर्जन जो है उसका लेकर आता रहता हूँ, ताकि जो भी नए क्रिएटर हैं, जो नए नए चैनल लोग बना रहे हैं, उनको जो है वीडियो की मदद से हेल्प मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल को, और सबसे नई वीडियो देखने के लिए बगल में घंटा पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दीजिए और समझिए, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। आई थिंक कि आप जो है समझ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं, तो YouTube चैनल जब स्टार्ट किया जाता है तो वहाँ पर YPP एक उसका जो है टर्म एंड पॉलिसी है। इसमें होता है क्या दोस्तों, कि अगर इन द फ्यूचर में आप अपने YouTube चैनल से अर्निंग करना चाहते हैं तो उसमें कुछ रूल हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, पहले तो ये रूल नहीं था जब हम लोग स्टार्ट किए थे 2016 में, उस समय ऐसा कुछ भी रूल नहीं था। चैनल बनाओ, चैनल तुरंत मोनेटाइज हो जाता था और हमारे वीडियो पर ऐड भी आने लगते थे। लेकिन अब यूट्यूब ने जो है बहुत सारे क्रिएटर को देखा कि लोग चैनल बना रहे हैं और आलतू फालतू वीडियो डाल रहे हैं, तो इसके लिए जो है यूट्यूब ने वहाँ पर रूल लगा दिया। और रूल क्या है कि आपका एक साल में, लास्ट 1 ईयर में 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम होने चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम। अब इसको पूरा करना है तभी जो है आपके चैनल के जो वीडियो रहेंगे उस पर जो एडवर्टाइज आएंगे उससे जो भी रेवेन्यू बनेगा यूट्यूब आपके साथ शेयर करेगा, वरना आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा भले ही आप चाहे जितनी वीडियो वहाँ पर डाल दें। तो दोस्तों, इसी को लेकर जो है काफ़ी क्रिएटर परेशान रहते हैं कि अगर एक साल में नहीं हुआ तो क्या चैनल मोटाई नहीं होगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, हम यूट्यूबर कभी नहीं बन सकते। तो बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो है खुद ही 1.5 साल में जो है 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा हुआ था। मैंने अप्रैल 2020 में चैनल बनाया था, लेकिन मेरा जो है मई 2021 में 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे पूरे हुए थे और मेरा चैनल आज मोनेटाइज है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये कैसे होता है, तो देखिए, जब हम वहाँ पर जाते हैं यूट्यूब के मोनेटाइजेशन पेज पर, तो वहाँ पर 1K सब्सक्राइबर, 4K वॉच टाइम दिखाता है और उसके ऊपर जो है कुछ लेटर लिखा रहता है, जिसको कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। वहाँ पर लिखा रहता है लास्ट वन ईयर में, मतलब आज प्रेजेंट डेट से लास्ट 65 डेट्स तक, मतलब आज प्रेजेंट डेट जो आज चल रही है डेट, आज से अगर हम एक साल पीछे तक जाएं तो उस दिन से आज तक जितना भी वॉच टाइम और सब्सक्राइबर हुआ है वही देखा जाता है। सब्सक्राइबर जब से चैनल बनता है तब का सब्सक्राइबर और आज तक का सब्सक्राइबर पूरा काउंट होता है, लेकिन जो वॉच टाइम रहता है वो जो है आज के दिन से जो है लास्ट 365 दिन, मतलब लास्ट एक साल का देखा जाता है। और उसमें अगर आपके 4000 वॉच टाइम पूरे हुए रहते हैं तो आपका जो है चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और मैंने भी यही किया था, मेरा चैनल आज मोनेटाइज है और यही रूल भी है, इसमें कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई लेकिन लोगों को शायद कन्फ्यूजन अभी भी है, तो इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। अब दोस्तों, मान लीजिए कि कई लोग सोचते हैं कि जिस दिन से हम चैनल बनाते हैं उस दिन से लेकर एक साल के अंदर पूरे करने होते हैं, तो उस दिन से एक साल तक अगर आपके पूरे हो जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट 365 दिन में ही आपके पूरे होंगे, तो अच्छी बात है, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर जिस दिन से चैनल बनाए हैं उस दिन से एक साल के अंदर अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होते हैं, तो इसमें डरने की बात नहीं है। हो सकता है कि आपके एक साल में केवल 2000 घंटे वॉच टाइम पूरे हुए हों, तो अब आपको 2000 और घंटे की ज़रूरत है। तो अब आपको ये देखना है कि आपकी वीडियो कब से वायरल होना स्टार्ट हुई थी। मतलब मान लीजिए कि आपने चैनल बनाया जनवरी 2020 में और तब से आप काम करना स्टार्ट किए हैं, और वहाँ पर जो है आपकी वीडियो धीरे धीरे जो है रैंक करना स्टार्ट की और मई से जो है आपके अच्छे खासे व्यूज आने लगे, तो 2020 का जो मई का महीना रहेगा, जो अच्छा खासा वॉच टाइम वाली वीडियो रहेंगी उसका वॉच टाइम अगर आप मई से और 2021 के मई तक अगर आप 4000 घंटे वॉच टाइम वीडियो में किसी भी तरह कंप्लीट कर लेते हैं,
तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मतलब आपको तभी से देखना है जब से आपकी वीडियो अच्छी खासी रैंक करती हैं। तो उसी तरह से अगर आपका जो है मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में सारी वीडियो जो है वायरल होने लगी, तो आपका उस दिन से एक साल के अंदर जो है जो भी वॉच टाइम पूरा होगा उससे जो है आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो हमेशा दोस्तों प्रेजेंट डेट से लास्ट वन ईयर देखना चाहिए, ना कि जब से चैनल बनाए हैं तब से आज तक का डेट देखना चाहिए। और कई लोग का ये डाउट है दोस्तों कि मान लीजिए कि मेरे चैनल पर लास्ट 365 दिन में 4000 घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइबर जो है मेरे जब से चैनल बनाया है तब से आए हैं, तो क्या वो भी लास्ट 365 दिन के देखे जाएंगे? तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि सब्सक्राइबर के लिए लास्ट 365 दिन नहीं है, केवल वॉच टाइम के लिए लास्ट 365 दिन है। सब्सक्राइबर आपका जो है जब आपके वॉच टाइम कंप्लीट होते हैं उस समय आपके चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। 1000 से ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा, और ये जब से चैनल बनाए हैं तब से लेकर अब तक के सब्सक्राइबर पूरा काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर आपको वॉच टाइम देखना है तो आज प्रेजेंट डेट से जिस दिन से आप चेक कर रहे हैं उस दिन से आपको देखना है, और लास्ट 365 दिन का अगर आप देखेंगे, अगर 4000 घंटे वहाँ पर पूरा हुआ है और 1000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पर हैं, तो आप अपने चैनल को बहुत ही आसानी से मोनेटाइज कर सकते हैं। दोस्तों इसी को लेकर बहुत ज़्यादा लोग जो है डाउट में रहते हैं। आई थिंक कि इस वीडियो से अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, और अगर आपके चैनल में मोनेटाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेक्नो गुरुदेव जो है मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल आईडी है, वहाँ पर फॉलो कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। आई थिंक कि मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। धन्यवाद।